This is Neeraj and you are watching Nikology. Chanakya Neeti Pratham Adhyay Slok 17. महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस नीति में महिलाओं के बारे में कहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना होती है। वैसे ये नीति में एकदम सिंपल शब्दों में कहा गया है, वैसे इसमें समझने जैसे कोई बात नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट पर्सन अपने आप समझ जाएगा कि इतनी चीजों में महिलाएं हमसे आगे है। वैसे आप मेरे डेली चाणक्य के वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं चाणक्य नीति के बाद कुछ अपनी बातें भी बोल देता हूँ। वैसे इस नीति में मैं जो भी बोलने वाला हूँ या फिर जो भी बोलूंगा उसमें मैं किसी भी स्त्री के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ या फिर पुरुषों के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं दोनों को एक लेवल पर मानता हूँ और मैं दोनों को एक लेवल पर रखकर ही बातें करता हूँ। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी के वीडियो के बारे में नहीं बोलूंगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों ने चाणक्य के नाम पर बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रखी है, जैसे कि थंबनेल पर अडल्ट फोटो डाले होते हैं या फिर किसी लड़की का फोटो डालकर वो बहुत सारी बुराइयां कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मेरे वीडियो पर भी काफी नेगेटिव कमेंट आते हैं कभी कभार कि चाणक्य ने ये क्यों बोला, चाणक्य ने वो क्यों बोला। चाणक्य ने जो बोला है वो सच है ऐसा मानना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ नॉलेज लेना है, हमें सिर्फ जानकारी लेनी है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बंदा सही हो या फिर ये भी जरूरी नहीं कि हर एक बंदा गलत हो। लेकिन आप जो वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी चाणक्य के बारे में, अगर वहां पर कुछ बोला गया है या फिर चाणक्य की नीति में कुछ बोला गया है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिखा गया होगा या फिर उनके जो एक्सपीरियंस थे उसके बेस पर बोला गया होगा। और काफ़ी सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें नेगेटिविटी ऐसी फैली है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें चाणक्य के साथ नेगेटिव फोटोज़ होते हैं या फिर थंबनेल में ऐसा कुछ होता है जिससे लोग क्लिक करते हैं, या फिर महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे में बुरे कुछ फोटोज़ होते हैं या फिर स्त्री के बारे में कुछ नेगेटिव बातें लिखी होती है तो बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि चाणक्य ने कभी भी महिलाओं के बारे में यानी कि स्त्री के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ समझाया है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि इस नीति में लिखा हुआ है कि भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि महिला हमसे निचले स्तर पर आती है या फिर महिला हमसे आगे है, बस यहाँ से हमें नॉलेज लेना है कि ये पॉसिबिलिटी है। और काफी सारे लोग तो सीधे ऐसा ही समझ लेते हैं कि सभी स्त्री ऐसी होती है। जी नहीं, हर एक स्त्री, हर एक लड़की अलग अलग लेवल पर अलग अलग जगह पर होती है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि हर एक लड़की ऐसी होगी या फिर हर एक लड़की के बारे में बोला गया है। ये सिर्फ एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला के बारे में बोला गया है जो ऐसी हो सकती है, सभी के बारे में नहीं है ये। वैसे ये सारी चीजें है कि कौन सी नीति को अपनाना है या फिर कौन सी नीति को अपनी जिंदगी में लाना है वो आप पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि चाणक्य ने बोल दिया तो वो सही है, ऐसा भी नहीं है जो चाणक्य ने बोला है वो सही होगा। वो आपको समझना है क्योंकि चाणक्य ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा होगा। आई नो कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे लेकिन उस समय पर कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने लिखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नेगेटिव लिखा है, उन्होंने सभी चीज़ें पॉजिटिव लिखी है। डिपेंड करता है हम पर कि हम उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम उस नीति को कैसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर लड़की के बारे में कुछ बुरा बोल दिया तो सबके बारे में मानने लग जाते हैं कि हाँ ये लड़की ऐसी ही होती है, लड़कियाँ ऐसा ही करती है या फिर लड़की के बारे में यही सोचना बेहतर है। ऐसा नहीं है, हमें अपनी सोच को भी आगे लाना होगा, हमें भी समझना होगा कि क्या चीज़ें सही और क्या गलत हैं। अगर आप एक नीति सुनते हैं
और चाणक्य के कोई वीडियोस देखते हैं, वहीं से अगर आप ये समझने लग जाएंगे कि चाणक्य ने गलत बोला है, वहीं से आप कमेंट करेंगे कि चाणक्य ने ये गलत बोला है, या फिर वहीं से आप कमेंट कर देंगे कि हाँ चाणक्य ने ये बातें सही बोली है। आप चाणक्य की एक नीति पढ़ेंगे या फिर एक नीति का वीडियो देखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि ये बातें गलत बोली थी चाणक्य ने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये बातें गलत है, अभी के समय में कोई काम नहीं आएगी। लेकिन जिस बंदे ने पूरी चाणक्य नीति सुनी है या फिर पूरी चाणक्य नीति के वीडियोस देखे हैं, हर एक नीति को समझने की कोशिश की है, वो कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा कि ये बातें गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक नीति अपने आप में एक दूसरे से मिलती जुलती है। और एक बात की चाणक्य नीति में 17 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में 17 से 20 तक के श्लोक हैं, हर एक चैप्टर में 17 से 20 तक की नीतियां हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। अगर मान लीजिए चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ बुरा लिखा है, तो उसी के नीचे दूसरे श्लोक में उसकी अच्छाई भी की होगी, या फिर उसके दूसरे श्लोक में उसको क्लियर किया होगा कि ऐसा क्यों है। तो आपको पहले पूरी चाणक्य नीति को समझना होगा, सुनना होगा, या फिर उस पर ऑब्जर्वेशन करना होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप चाणक्य नीति की बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने चाणक्य के 17 चैप्टर के वीडियोस भी डाले हैं, वो भी सुन सकते हैं। लेकिन आप एक नीति सुनकर या फिर एक वीडियो देखकर ये अनुमान मत लगाइए कि चाणक्य ने गलत कहा है, या फिर ये अनुमान मत लगाइए कि ये सही है। किसी जगह पर कुछ बातें गलत भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जो आपको गलत लगती हो, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए पहले पूरा समझने की, फिर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट बनाइए, या फिर आप जो सोचते हैं उसके बारे में ऑब्जर्व कीजिए, या फिर उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद आप कुछ नेगेटिव बातें अपने माइंड में आने दीजिए। और एक बात, जो आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ भी पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं या फिर नेगेटिव वीडियोस देखते हैं, तो उसमें नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कमेंट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में आप पूरा सुनिए कि ये बंदा क्या समझाना चाहता है, इसने जो बोला सही है गलत है, उसके बाद वहाँ पर कमेंट कीजिए। तब जाकर आपका भी नॉलेज बढ़ेगा कि इस बंदे ने समझाया क्या। और कभी भी आधा वीडियो देखकर तो कमेंट ही मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि हर एक बंदा 100% देता है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा और 2 मिनट देखेंगे, उसमें आप कुछ समझे ना समझे नेगेटिव कमेंट छोड़ देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूरे वीडियो में क्या था। तो कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखकर कमेंट करने की, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। वैसे यहाँ तक आपने अगर मुझे सुन लिया है तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान की, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा, बूढ़ा, हर एक दुनिया में हर एक चीज़ की वैल्यू कीजिए, हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। जितनी रिस्पेक्ट आप अपने मम्मी पापा की करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट आप अपने सगे संबंधियों की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट हर एक लड़की की कीजिए, क्योंकि हर एक लड़की, हर एक औरत अपने आप में एक अजूबा होती है। तो बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक लड़की की रिस्पेक्ट कीजिए। आप जितनों की रिस्पेक्ट करेंगे उतनी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये थी आचार्य चाणक्य की 17वीं नीति और मेरे कुछ विचार। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपने इस नीति से क्या सीखा और मेरी बातों से आपने क्या सीखा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड दिस इज़ नीरज साइनिंग आउट। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।